पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों के प्रति 42 शहीद जवानों के सम्मान में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे में ही नीमच शहर में सिंघल आर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा CRPF के जवानों के प्रति अपनी भावना रखते हुए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। वहीं दीपक सिंघल ने अस्पताल पर पोस्टर लगाकर CRPF के जवानों का निःशुल्क इलाज करने के पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। जहां डॉक्टर दीपक सिंघल ने बताया कि CRPF जवान हमारे देश की शान होती है, इसलिए CRPF के जवानों को यहां ना लगे कि हम उनका सम्मान नहीं करते। अगर शहर का दूसरे चिकित्सालय में भी इनका इलाज निःशुल्क होना चाहिए, यहां हमारे देश की रक्षा करते हैं। यही नहीं कि ये शहीद हुए हैं तो ही इनका सम्मान करें, इनों के लिए हमेशा अपने दिल में सम्मान की भावना होनी चाहिए। देखिए SSE न्यूज़ की विशेष। जवानों का आप निःशुल्क इलाज करेंगे। देखिए CRPF की जन्मस्थली हमारा शहर नीमच है और हमें हर नीमचवासी को गर्व है कि यहाँ पर CRPF की जन्मस्थली है और CRPF का बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर पूरे भारत के लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा मिनी भारत है जो कि CRPF कैंपस के अंदर बस रहा है। और ज़्यादातर जो लोग आते हैं CRPF के जवान, वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं और मध्यम वर्गीय होते हैं। तो मेरी कोशिश केवल ये थी उनके लिए कि मैं उनको कुछ अपनी भावना प्रदर्शित कर सकूं, अपना अपनत्व बता सकूं और मैं उनको ये बता सकूं कि हम भी आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। इसीलिए मैंने उनको परामर्श उनका निःशुल्क किया है। और ये तो मैंने खैर अभी लिखा है इस घटनाक्रम के बाद, उसके पहले भी मेरी भावना हमारे जवानों के प्रति सद्भावपूर्ण रही है। सम्मान हम उनको देते थे और उनको बहुत सी बार हम रियायत करते थे। आज से 5-6 साल पहले मैंने CRPF हॉस्पिटल में जाके 15-20 ऑपरेशन भी किए हैं, जो कि मैंने अपनी सेवाएं जो है वो ऑनररी दी है। तो हमारा उद्देश्य केवल उनको सम्मान देना था, उनके प्रति अपना अपनत्व दिखाना था कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। सर, आप जैसे कि CRPF में किन किन लोगों का, नौजवानों का इलाज करते हैं? आपको पता है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कठिन होती है और जो नौजवान आते हैं CRPF में भर्ती होते हैं उनको बहुत ही कठिनाई पूर्वक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हमारी देश की रक्षा कर सके। नक्सली इलाके में, जो कि एकदम दुर्गम इलाके होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ जाकर वो नक्सलियों से भिड़ सके, उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। शारीरिक ट्रेनिंग तो दी जाती है, उनको मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भूखा रहना भी सिखाया जाता है कि कैसे आप 2-4 दिन भूखे रह के भी अपना काम जंगल में चला सकते हैं। तो जब इस प्रकार की कठिन ट्रेनिंग से वो गुजरते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको कुछ चोटें भी लग जाती हैं। जैसे उनको 12 किलोमीटर रोज दौड़ाया जाता है तो उससे उनके पांवों में दर्द हो जाता है, किसी किसी जवान को फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये जवान सामान्यतः हम सब हड्डी के डॉक्टरों के पास नीमच में आते हैं। कभी कभी वो जो जिम्नास्टिक करते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए ऊपर रस्सी के सारे ऊपर चढ़ना पड़ता है तो गिर जाते हैं, तो भी उनको चोट लग जाती है। साथ में जो उनके परिवार हैं जो कि इस कैंपस में रहते हैं और जो उनके काम करने वाला जो व्यक्ति है उनके परिवार का, वो कहीं कश्मीर में पोस्टेड है, कहीं वो गढ़चिरौली में पोस्टेड है, कहीं वो आसाम में पोस्टेड है, कहीं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड सिक्किम मेघालय के यहाँ पोस्टेड है, तो वो अपने परिवार के प्रति भी चिंतित होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे जवानों के फ़ोन, जो कि CRPF में जवान हैं, अधिकारी, उनके फ़ोन आते हैं और उनके परिजन मेरे से ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो वो फ़ोन लगाते हैं वहाँ से कि डॉक्टर साहब हमारे परिवार का आप ध्यान रखिए, इनका क्या हुआ है, खैर खबर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे देश के प्रति समर्पित लोग हैं तो हमें भी इनके प्रति अपना अपनत्व और सम्मान प्रदर्शित करना ही चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, जैसे आपने एक अनोखी पहल चलाई है, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश में क्या कहना चाहोगे कि इन जवानों के और कहीं और कुछ भी इलाजों पर निःशुल्क होना चाहिए? हाँ, जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगता है सेना के जवान, कर्मचारी और जो हमारी देश की रक्षा सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबका सम्मान तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल शहीद हों तब हम उनका सम्मान करें, प्रतिदिन। और हमें जब जब मिले तो कम से कम हमें ये तो उनको बोलना ही चाहिए कि
हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे देश की रक्षा करते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, धन्यवाद। इतना भी अगर हम बोल दें उनको तो मुझे लगता है कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और शायद वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस देश की सेवा करें। आपका नाम? डॉक्टर दीपक सिंहल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मेरा सिंहल आपके पति हॉस्पिटल।